पंजाब सरकार पंचायतों को भंग करने के फैसले को वापस लेने के बाद से ही विरोधियों के निशाने पर है। 31 अगस्त को सभी पंचायतों से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन चंद घंटों बाद ही इस आदेश को भी वापस ले लिया गया, जिस पर अब विरोधी पार्टियां ने आप सरकार को घेरना शुरू किया है। दरअसल बीते दिनों पंजाब सरकार की तरफ से जिला परिषद व पंचायतों को भंग करने का फैसला किया गया था। समय से 6 महीने पहले ही ऐसा करने पर विरोधी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। इस दौरान 31 अगस्त की सुबह ही आदेश साइन हुए, जो सभी डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर्स पंचायत, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास, जिला विकास व पंचायत ऑफिसर और जोनल रीजनल हेड्स व ब्रांच मैनेजर को भेज दिए गए। इन आदेशों में साफ लिखा था कि पंचायतें व जिला परिषद भंग हो चुकी है, ऐसे में सभी बैंक खातों से लेन देन रोक दिया जाए। इन बैंकों से सिर्फ वेतन देने की अनुमति ही दी गई थी। इतना ही नहीं, ये आदेश सभी बैंक ब्रांचों पर तुरंत प्रभाव से पहुंचाने के भी आदेश दिए गए। इन आदेशों के जारी होने के चंद घंटों में ही दूसरा आदेश डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर्स पंचायत, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास, जिला विकास व पंचायत अफसरों को जारी किया गया। इसमें 12 अगस्त को पंचायत व जिला परिषदों को भंग करने के फैसले को वापस लेने का हवाला दिया गया था। इसके साथ ही कहा गया था कि इससे पहले दिए गए आदेश वापस लिए जाते हैं, यानी कि पहले की ही तरह बैंक, पंचायतें व जिला परिषद लेन देन कर सकेंगे। लोकतंत्र दियां तज्जियां अफसर दे गल च गूठ दे के पंचायतां भंग करन दा जिहड़ा फैसला सी, मैं कल भी कहा सी कि ये सीएम भगवंत मान दा है, मंत्री लाल जी भुल्लर दा। अज बिल्ली थैल्यों बाहर आ गई, आ नोटिंग है, आ ओरिजिनल कागज मैं थोड़े सामने रख रहा है कि जदों अफसर रोकते सी कि जनाब यह 5 साल तो पहला आप भंग नहीं कर सकते, और 5 साल पूरे होंगे सी जनवरी 2024 च, मगर यह फाइल हथी मूव कराई गई अफसर थ्रैटन करके गल च गूठ दे के डीके तिवारी ते खैरा साहब दे कि जे फाइल ना लिया तो थोनू एक्शन लवेंगे, सस्पेंड करांगे, थोड़ी बदली कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया। पंजाब सरकार पंचायतों को भंग करने के फैसले को वापस लेने के बाद से ही विरोधियों के निशाने पर है। 31 अगस्त को सभी पंचायतों से जुड़े बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन चंद घंटों बाद ही इस आदेश को भी वापस ले लिया गया, जिस पर अब विरोधी पार्टियां ने आप सरकार को घेरना शुरू किया है। दरअसल बीते दिनों पंजाब सरकार की तरफ से जिला परिषद व पंचायतों को भंग करने का फैसला किया गया था। समय से 6 महीने पहले ही ऐसा करने पर विरोधी पार्टियों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। इस दौरान 31 अगस्त की सुबह ही आदेश साइन हुए, जो सभी डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर्स पंचायत, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास, जिला विकास व पंचायत ऑफिसर और जोनल रीजनल हेड्स व ब्रांच मैनेजर को भेज दिए गए। इन आदेशों में साफ लिखा था कि पंचायतें व जिला परिषद भंग हो चुकी है, ऐसे में सभी बैंक खातों से लेन देन रोक दिया जाए। इन बैंकों से सिर्फ वेतन देने की अनुमति ही दी गई थी। इतना ही नहीं, ये आदेश सभी बैंक ब्रांचों पर तुरंत प्रभाव से पहुंचाने के भी आदेश दिए गए। इन आदेशों के जारी होने के चंद घंटों में ही दूसरा आदेश डिविजनल डिप्टी डायरेक्टर्स पंचायत, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर विकास, जिला विकास व पंचायत अफसरों को जारी किया गया। इसमें 12 अगस्त को पंचायत व जिला परिषदों को भंग करने के फैसले को वापस लेने का हवाला दिया गया था। इसके साथ ही कहा गया था कि इससे पहले दिए गए आदेश वापस लिए जाते हैं, यानी कि पहले की ही तरह बैंक, पंचायतें व जिला परिषद लेन देन कर सकेंगे। लोकतंत्र दियां तज्जियां अफसर दे गल च गूठ दे के पंचायतां भंग करन दा जिहड़ा फैसला सी, मैं कल भी कहा सी कि ये सीएम भगवंत मान दा है, मंत्री लाल जी भुल्लर दा। अज बिल्ली थैल्यों बाहर आ गई, आ नोटिंग है, आ ओरिजिनल कागज मैं थोड़े सामने रख रहा है कि जदों अफसर रोकते सी कि जनाब यह 5 साल तो पहला आप भंग नहीं कर सकते, और 5 साल पूरे होंगे सी जनवरी 2024 च, मगर यह फाइल हथी मूव कराई गई अफसर थ्रैटन करके गल च गूठ दे के डीके तिवारी ते खैरा साहब दे कि जे फाइल ना लिया तो थोनू एक्शन लवेंगे, सस्पेंड करांगे, थोड़ी बदली कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, SMZ न्यूज इंडिया।